फ्रेंड्स देख सकते हो ये प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट मैं कई दिनों से यूज कर रहा हूँ और काफी अच्छा प्रोडक्ट है। नमस्ते फ्रेंड, टी आर प्रोडक्शन में आप लोगों का स्वागत। मैं आपका दोस्त तनय दे और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक शावर फिल्टर। देख सकते हो एक कमल कंपनी के तरफ से शावर फिल्टर मैंने मंगवाया था फ्लिपकार्ट से, और इसे मैंने इंस्टॉल भी कर दिया और ये प्रोडक्ट मैंने 2 महीने से यूज कर रहा हूँ, उसके बाद ही रिव्यू बना रहा हूँ। ये पूरा डिटेल्स रिव्यू है आप लोगों के लिए, ये कोई करेंट रिव्यू नहीं है। तो पहले ही बता देता हूँ ये प्रोडक्ट मैं 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद ही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये रिव्यू। तो ये है मेन प्रोडक्ट, ऐसे दिखेगा। ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो एक बार अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन, और एक बार बता देता हूँ इंस्टॉलेशन भी मैंने ही किया था, आप लोगों को दिखाऊंगा। और मैं कोई प्लम्बर को बुलाया नहीं, मैंने खुद से ही इंस्टॉलेशन किया इसका मेरे बाथरूम में। और ये बेसिकली काम करता है पानी से आयरन को फिल्टर करता है, ये मेन काम। तो 2 महीने से मुझे अच्छा लग रहा है, तो चलिए एक बार पहले अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। तो देख सकते हो 3 प्रोडक्ट आ चुका है और तीनों के तीनों ही सावर आइटम है। देख सकते हो कमल कंपनी के तरफ से ये सावर हेड है, खोल लेते हैं। तो ये है सावर हेड, देख सकते हो ये पूरा चेंज होता है स्पीड, 6 स्टेप आपको चेंज मिलेगा इसमें ऐसे। और ये 4.5 इंच का साइज है पूरा, यहाँ से यहाँ तक 4.5 इंच का साइज मिलेगा। उसके साथ मैंने मंगवाया है ये कमल का ही एक एक्सटेंशन पाइप जो सावर में लगेगा। ये भी लगेगा, और उसके साथ आया है ये वाला ये आयरन गार्ड, देख सकते हो ये कमल कंपनी के नया आइटम है, देख सकते हो वाटर प्यूरिफिकेशन, ये आयरन को कम करता है पूरा। यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है, देख सकते हो कमल ब्रांड अच्छा ब्रांड है और कोई भी प्रमोशनल नहीं है, मैं खुद का पैसे से खरीदा हुआ प्रोडक्ट है। तो इसे भी खोल लेते हैं। देख सकते हो इसके साथ ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, और ये वाला प्रोडक्ट, और ये 2 जाली मिलेगा जो यहाँ पर फिट होता है, एक फिट करना है उसके बाद। और इसके अंदर यही मेन फिल्टर है आयरन फिल्टर, देख सकते हो। और इसके अंदर कार्ट्रिज रहता है जो 6 महीने में एक बार आपको चेंज करना होगा, ये वाला पार्ट आपको चेंज करना होगा, ये खराब हो जाता है। यही फिल्टर, यही मेन फिल्टर है। तो देखते हैं, मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आयरन का प्रॉब्लम है शावर में, इसके कारण बाल वगैरह बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, इसी कारण मैंने इसे मंगवाया है। इसका प्राइस है 750 रुपया, ये भी 750 रुपया, और ये 250 रुपया के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आपको एक बार मेरे जो पहले का जो सावर है वो एक बार दिखा देते हैं उसका कंडीशन कैसा है, जिसके कारण मैंने इसे मंगवाया है। तो देख सकते हो फ्रेंड कितना ज़्यादा आयरन का प्रॉब्लम, देख सकते हो
आयरन बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ये वाला पोर्शन पूरा खराब हो चुका है और पानी भी नहीं, बहुत ज़्यादा साफ करना पड़ता है हर वीक, और बाल भी खराब होता है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। देख सकते हो कितना ज़्यादा आयरन का प्रॉब्लम है। इसी कारण मैंने सोचा कि ये वाला चीज़ एक बार ट्राई करा जाए, वो वाला जो आयरन गार्ड आता है। तो चलिए इसे खोल लेते हैं, एक इजी है। यहाँ पर पैंच है और आप प्लम्बर से भी कर सकते हो, बट मैं इसे खुद ही कर लूँगा, इजी टू यूज़ है, कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। तो चलिए एक बार पूरा फिटिंग करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कैसे दिखेगा। तो इसे लगाने से पहले आपको टैबलॉन टेप का यूज़ करना होगा, देख सकते हो यहाँ पर भी टैबलॉन टेप यूज़ करना होगा। और ये वाला पोर्शन ऐसे दिखेगा, ये जो हेड है वो यहाँ पर लगेगा, देख सकते हो ऐसे दिखेगा, यहाँ पर लग जाएगा। और इसके पीछे ये वाला पोर्शन में आपको ये वाला लगाना होगा, ऐसे करके ये भी लग जाएगा, देख सकते हो सिंपल है। बट यहाँ पर टैबलॉन टेप का यूज करना होगा, नहीं तो पानी लीकेज आपको प्रॉब्लम आएगा। देख सकते हो ऐसे दिखेगा, यहाँ से फिल्टर होके यहाँ से निकलेगा, तो ऐसे लुक आएगा। तो चलिए एक बार इसे लगा लेते हैं बाथरूम पे, उसे उसके बाद ही बात करते हैं फिल्टर करता है कि नहीं करता है। तो इसे खोल लेते हैं और टैबलेट टेप लगा के फिर से यूज करते हैं। देख सकते हो ये वाला पोर्शन लगवा चुका हूँ टाइट करके, पूरा टाइट हो चुका है, देख सकते हो। और देख सकते हो टैबलॉन टेप का यूज़ किया गया है, मैंने यूज़ किया है, ये मैंने खुद से लगवाया है, ठीक है। तो ऐसे दिखेगा, इसके बाद यहाँ पर पावर हेड लगाऊंगा, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हो ये पावर हेड और ये यहाँ पर लग जाएगा, और ये एडजस्टेबल है, एडजस्ट कर सकते हो, और ऐसे करके पावर हेड लग जाएगा। तो चलिए एक बार लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो देख सकते हो मैंने लगवा दिया है, और इसका स्पीड देख सकते हो, स्पीड काफ़ी अच्छा है, और ये एडजस्ट कर सकते हो आपके हिसाब से, देख सकते हो इसका डायरेक्शन पूरा डिजाइन चेंज हो रहा है, देख सकते हो ऐसे करके चेंज होगा। तो फ्रेंड देख सकते हो ये प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट मैं कई दिनों से यूज कर रहा हूँ और काफी अच्छा प्रोडक्ट है। तो देख सकते हो एक अमल का जो ईयर मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये आयरन गार्ड करके आता है, और पानी से आयरन को फिल्टर करता है। और ये सावर यूनिट देख सकते हो मैंने लगवाया था, और ये यूनिट मैंने बदल दिया, क्योंकि पहले वाला जो यूनिट था वो उतना अच्छा मुझे नहीं लगा। इसी कारण आपको वीडियो में दिख जाएगा पहले जो लगाया था कमल का ही। और देख सकते हो मैं एक महीने से टेस्टिंग कर रहा हूँ, और टेस्टिंग काफ़ी अच्छा रहा है, और कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरे यहाँ पे आयरन है बट उतना ज़्यादा आयरन नहीं है, बट फिर भी बालों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, और काफ़ी दिक्कत हो रहा था पानी में। तो इसी कारण मैंने इसे मंगवाया था, और इसका प्राइस भी कम है, 750 रुपया में मुझे इसे मिल गया फ्लिपकार्ट पे, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। और इसका जो पानी फिल्टर हो रहा है फिल्टर भी काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी सस्ते में मुझे मिल गया। ये प्रोडक्ट आप 100% ले सकते हो, कोई भी दिक्कत, मैं एक महीने से यूज़ कर रहा हूँ और कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं आया। और ये मैं खुद से इंस्टॉल किया है, देख सकते हो ये पूरा यूनिट मैंने खुद से लगवाया है, और कोई भी प्लम्बर मैंने नहीं बुलाया, और मेरा गीजर भी है वहाँ पर, तो यही है। और गीजर का वीडियो भी आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, और गीजर का वीडियो भी मैंने बनाया था, 1 साल हो गया अभी,
एक साल से यूज कर रहा हूँ एक गीजर, ये बजाज का गीजर है और बजाज का मैंने आयरन मतलब सॉरी इमर्सन रॉड बजाज का कुछ ही दिन पहले ही मैंने रिव्यू किया था, तो वो भी काफ़ी अच्छा है और ये गीजर भी काफ़ी अच्छा है, तो उसको छोड़ते हैं और ये जो है मेन प्रोडक्ट इसे लेके वीडियो आज का वीडियो, तो ये प्रोडक्ट आप 100% ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड लोगों ने प्रोडक्ट देखा, मैंने मेरा जो पुराना वाला शावर हेड था उसने ही लगा दिया और वो काफ़ी कंफर्टेबल लगा मुझे। मैंने पहले सोचा था वो मेरे सर पे टकराएगा बट वो टकराया नहीं और काफ़ी कंफर्टेबली वो यूज़ हो रहा है और कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है। और मैंने 2 महीने से इस प्रोडक्ट को, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप बाई कर सकते हो, देख भी सकते हो। और ये प्रोडक्ट मुझे मिला है 750 रुपया और बहुत सारे ब्रांड हैं वो तो हाई प्राइस में बेचता है 2000-3000 रुपया में सावर जो फिल्टर होता है, देख सकते हो ऐसे करके ये फिल्टर 2000-3000 में बहुत सारे ब्रांड बेचता है। बट मैंने जो ब्रांड लिया है वो है कमल। कमल का प्लम्बिंग का बिजनेस है और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, पहले ही बता देता हूँ। ये प्लम्बर रिलेटेड जो भी सावर हेड होता है पाइप रिलेटेड, ठीक है, वो ज़्यादातर इसका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है ये वाला। और ये जो प्रोडक्ट है ये कमल का नया लॉन्च हुआ था और आप लोगों ने देखा इसका जो कार्टेज है अंदर की तरफ, वो कार्टेज आपको 6 महीने के अंदर रिप्लेस कर देना चाहिए और कार्टेज का प्राइस है 400-300 रुपया ऐसे करके आएगा। तो मैंने जो लगवाया है ये प्रोडक्ट 100% सेटिस्फाइंग और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। आप लोगों के वहाँ भी अगर आप लोगों के आयरन का दिक्कत है पानी में तो ये प्रोडक्ट आप ले सकते हो, ये आप शावर में भी लगा सकते हो और टैप जो टैप ऑयल होता है वहाँ पर भी लगा सकते हो, शावर में ही बेटर रहेगा ये वाला प्रोडक्ट। ये काफ़ी अच्छा और स्पीड में भी जो यार वाटर का जो फ्लो है वो फ्लो भी नहीं कम हुआ और काफ़ी अच्छा तरह से काम कर रहा है अभी तक। 2 महीने से मैं डेली यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है और आयरन का प्रॉब्लम टोटली सॉल्व हो गया है। और 6 महीने बाद मैं कार्टेज को ओपन करूँगा और कार्टेज चेंज करूँगा, अभी तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, 100% आप यूज़ कर सकते हो। मैं गीज़र भी यूज़ करता हूँ उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया। तो ये फुल रिव्यू है आप लोगों के लिए, ये कोई करंट रिव्यू नहीं है। मैं 2 महीने से इसको टेस्टिंग कर रहा था उसके बाद ही मैंने रिव्यू दे रहा हूँ और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप 100% ले सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी शायद इसका प्राइस थोड़ा हाई होगा बट 1000-1100 रुपया के अंदर ही आपको मिल जाएगा, बट मैंने जो लिया था वो 750 रुपया में मुझे मिल गया था। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और आप लोगों ने सामने से पूरा वीडियो देखा और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है और फिल्टर भी काफ़ी अच्छा है। मैं ऐसे ही अनबॉक्सिंग और रिव्यू का वीडियो बनाते रहता हूँ, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और कोई भी डाउट हो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों को आंसर दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।